Welcome dear friends, in this video we will discuss about conditionals and its types. यानि conditional क्या होता है और इसके exam क्या होते हैं. Conditional sentences जिसमें दो parts होते हैं, एक part होता है if clause और दूसरा part होता है main clause. यानि यहां तक हमें समझ में आया कि conditional sentences जो होता है वो इफ क्लाज और मेन क्लाज का बना होता है. यानी इफ क्लाज और मेन क्लाज मिलके एक कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं. एग्जांपल की ओर एक नजर. एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम. यानी इसमें इफ क्लाज भी है, इसमें मेन क्लाज भी है. मेन क्लाज और इफ क्लाज मिलके इन्होंने एक कंडीशनल सेंटेंस को बनाया, क्योंकि इसमें कंडीशन है. अगर बारिश हुई तो मैं घर में बैठ जाऊंगा. ये कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है, घर में बैठने की कंडीशन ये है अगर बारिश हुई तो. और पहले ही हमने पढ़ा ये जो अबो सेंटेंस है इसमें क्या है, इफ इट रेन्स जो है ये इफ क्लाज है. आप बहुत ही आसान है इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इफ यहां पर मौजूद है. I shall stay at home ये main clause है. आगे बढ़ेंगे इसके types की ओर. There are four main types of conditional sentences. Conditional sentence के चार exam है. Number one, present condition जिसे zero conditional भी कहा जाता है. Number second जो है वो will condition है. विल कंडीशन को फर्स्ट कंडीशनल भी कहा जाता है. नंबर थर्ड पे है वुड कंडीशन जिसे सेकंड कंडीशनल भी कहा जाता है. और नंबर फोर जो है वो है वुड हैव कंडीशन जिसे थर्ड कंडीशनल भी कहा जाता है. अब हम एक एक करके प्रेजेंट कंडीशन, विल कंडीशन, वुड कंडीशन और वुड हैव कंडीशन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंडीशन को, जिसे जीरो कंडीशनल भी कहा जाता है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हम प्रेजेंट कंडीशन को बयान करते हैं, किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. प्रेजेंट कंडीशन में क्या होता है, इसमें इफ होता है. इफ के साथ यानी वो प्रेजेंट सिंपल में होगा. इफ क्लाज में एक तो इफ होगा और इसका वो प्रेजेंट सिंपल में होगा. मेन क्लाज में भी वो जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा. ये भी प्रेजेंट सिंपल, ये भी प्रेजेंट सिंपल इन प्रेजेंट कंडीशन. लेट अस ग्लांस एट एग्जांपल्स. एग्जांपल क्या है, इफ यू हीट वाटर इट इवापरेट्स. अगर आप पानी को हीट दोगे, इट इवापरेट्स, ये इवापरेट हो जाएगा. पानी को हीट देके ही पानी इवापरेट हो जाता है. इफ यू हीट, अगर आप इसको हीट दोगे, अगर ये क्या है, ये कंडीशन है, ये कंडीशनल क्लाज है, ये और ये क्या है, ये मेन क्लाज है. ये कंडीशनल क्लाज और मेन क्लाज मिलके इन्होंने प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस को बनाया, यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस को बनाया. दूसरी वाली एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स. अगर आप बटर को हीट देते हैं ये मेल्ट हो जाएगी. और ये सिचुएशन जो है यहां पे जब एक्शन होती है जीरो कंडीशन में तुरंत उसकी रिएक्शन आ जाती है, मीन्स क्विक रिएक्शन उसकी आ जाती है. इट ऑलवेज, ये हमेशा होता है, जब आप पानी को हीट दोगे तो वो इवापोरेट हो जाएगा, जब आप बटर को हीट देंगे तो बटर मेल्ट हो जाएगी. अगर एक कार ड्राइवर रेड लाइट को देखता है तो वो गाड़ी स्टॉप करता है. ये क्या है, ये जीरो कंडीशन है. ये कंडीशन जो है इट ऑलवेज हैपनस, इसमें कोई शक नहीं है, जो ही एक्शन होती है तुरंत उसकी रिएक्शन आ जाती है. सेकंड वन यानी विल कंडीशन को अभी मैंने कहा इसे फर्स्ट कंडीशनल भी कहा जाता है. इसका स्ट्रक्चर क्या है, विल कंडीशन में आप इफ देखेंगे,
इफ के साथ इफ क्लाज में प्रेजेंट वर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा और आप मेन क्लाज में विल पाओगे। मेन क्लाज में आपने विल का इस्तेमाल करना है और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं यू विल पास। आप अगर ये कंडीशन है आप हार्ड वर्क करेंगे तो पास हो जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे यू विल पास। इस कंडीशन और उस कंडीशन में फर्क है, जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में फर्क है। हालांकि जीरो कंडीशन में यहां इफ क्लाज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल है, और यहां विल कंडीशन में भी इफ क्लाज में प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये वाली कंडीशन और इस वाली कंडीशन में फर्क है। दिस कंडीशन इट ऑलवेज हैपनस, वाटर को हीट दिया तो वाटर इवापोरेट हो गया, बटर को हीट दिया तो बटर मेल्ट हो गई। और यहां पे अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप इसमें संभावना है आप पास हो जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। दूसरी, इसमें नोट मैंने यहां पे लिखा है, फर्स्ट कंडीशनल वी कैन यूज अदर मॉडल वर्ब्स एज वेल, हम अदर मॉडल वर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विल के साथ। एग्जांपल, इफ वी मिस द ट्रेन, अगर हमने ट्रेन को मिस किया, वी कैन गो बाय बस, हम बस से भी जा सकते हैं। एक होता है वी विल गो बाय बस, हम बस से जाएंगे, और दूसरा होता है हम बस से जा सकते हैं क्योंकि मंजिल दूर है या नजदीक है, हमने इसको भी पहचानना है कि हम वहां पे बस से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और ये मॉडल वर्ब जो है कैन, इससे हमें ये पता चलता है कि हम, अगर हमने ट्रेन को मिस किया है हम बस से भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे विल का यूज करते तो इसका ये मतलब होता तो हम बस से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बस से जा सकते हैं, इसका मतलब है सफर इतना है जो हम बस से भी तय कर सकते हैं। दूसरी वाली एग्जाम्पल जो है, इफ यू कॉल हिम नाउ, अगर आप उसको इस वक्त कॉल करोगे, ही माइट बी इन द मीटिंग, अगर आप उसको कॉल करोगे, इफ यू कॉल हिम नाउ ही माइट बी इन अ मीटिंग, वो मीटिंग में हो सकता है। यानी कि हम इस बंदे को जानते हैं, ये बंदा जो है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, किसी एसोसिएशन के साथ काम करता है, किसी ऑफिस में काम करता है, तो हमें मालूम है कि वहां पे ज्यादा उनकी मीटिंग्स होती रहती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं अगर आप उससे इस वक्त कॉल करोगे, ये कंडीशनल क्लॉज है, ही माइट बी मीन संभावना है वो मीटिंग में हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम थर्ड कंडीशन की ओर। थर्ड कंडीशन क्या है, वुड कंडीशन। वुड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है, आप देखिए, वुड कंडीशन में इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड, यानी इफ क्लाज में इफ और पास्ट, वो पास्ट सिंपल में होगा, मेन क्लाज में वुड का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल की ओर एक नजर जिससे हमें ज्यादा समझ में आएगा, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई वुड गो टू द यूएसए, तो मैं यूएसए जाता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यूएसए जाता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ये वुड कंडीशनल सेंटेंस है। यहां पे इफ और हैड जो है ये पास्ट सिंपल है, इफ और पास्ट सिंपल, और इसमें मेन क्लाज में वुड का इस्तेमाल किया हमने। दूसरी वाली एग्जाम्पल जो है, इफ आई न्यू द आंसर, अगर मैं सवाल का जवाब जानता, आई वुड टेल यू, मैं आपसे कह चुका होता, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। इफ आई न्यू द आंसर, यहां पे कंडीशन है,
इफ आई न्यू द आंसर, अगर मैं आंसर जानता तो मैं आपको जरूर बता देता. आई वुड टेल यू. ये क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये वुड कंडीशन है. इफ आई न्यू क्या है? न्यू जो है ये पास्ट सिंपल है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, और यहां पे वुड का इस्तेमाल किया हमने. एग्जाम में कैसे आ सकता है ये? एग्जाम में सपोज वहां पे आप एग्जामिनर ने इफ क्लॉज दिया है, तो इफ क्लॉज में आपने इफ देखा, आपने पास्ट सिंपल न्यू को देखा इफ क्लॉज में. आप जानते हैं कि वुड कंडीशन जो है, वुड कंडीशनल सेंटेंस जो है, उसमें इफ क्लॉज में इफ प्लस पास्ट सिंपल और मैन क्लॉज में वुड का इस्तेमाल होगा. तो आप आसानी से मैन क्लॉज वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं. याद रखना, वर कंस्ट्रक्शन इज आल्सो यूज्ड इन द वुड कंडीशन एंड वर डज नॉट चेंज विद पर्सन और नंबर. वुड कंडीशन में वर कंस्ट्रक्शन का भी इस्तेमाल हो सकता है वुड कंडीशन में, और वर जो है ये पर्सन और नंबर के साथ इसको हम चेंज नहीं कर सकते. वर डज नॉट, ये चेंज नहीं होगा पर्सन और नंबर के साथ. इसका क्या मतलब हुआ? पर्सन वेदर इट इज मेल और फीमेल, नंबर वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. और हमने क्या पढ़ा है? हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहले ही पढ़ा है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर में होता है तो वो भी सिंगुलर में आना चाहिए. लेकिन इस कंडीशनल सेंटेंस में, वुड कंडीशनल सेंटेंस में, वर कंस्ट्रक्शन जो है यहां पे इसको एलो किया है. वर कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगी विद पर्सन और नंबर वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. यानी वर का इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, वुड कंडीशनल सेंटेंस में. एग्जाम्पल, इफ ही वर इकोनॉमिकल, ही जो है ही ये सिंगुलर है और वर जो है वो प्लूरल है. सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. मगर अगर हम ऐसे इफ को हटा के इसको लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें यहां पे एलो नहीं करता. मगर चूंकि कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब कंस्ट्रक्शन अलाउड है, इट डज नॉट चेंज विद पर्सन और नंबर. चाहे सिंगुलर में होगा, प्लूरल में होगा, चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, वर्ब कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसमें हमने जिस तरह हमने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है. ये सब्जेक्ट जो है इफ क्लॉज में, सब्जेक्ट ही ये सिंगुलर है और वर्ब जो है ये प्लूरल है. सेकंड एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक परिंदा होता, आई वुड फ्लाई तो मैं उड़ता. इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ता. आई वर अ बर्ड. यहां पे आप देखिए, आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर जो है ये प्लूरल वर्ब है. कंडीशनल में, वुड कंडीशनल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये हमने याद रखना है. उसके बाद वुड कंडीशन के बाद लास्ट में आता है वुड हैव कंडीशन. वुड हैव कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है? वुड हैव कंडीशन में हम इफ का इस्तेमाल करते हैं इफ क्लॉज में, और पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. मेन क्लॉज में वुड हैव का इस्तेमाल होगा और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा. पास्ट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल में फर्क क्या है? पास्ट परफेक्ट इसमें हैड का इस्तेमाल होगा और वी थी का इस्तेमाल होगा. पास्ट पार्टिसिपल जो है इसमें सिर्फ वी थी का इस्तेमाल होगा. ये पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट में फर्क है. आगे देखिए आप, वर्ब के चार मेन फॉर्म्स हैं. एक होता है प्रेजेंट टेंस,
present tense, past tense, past participle, present participle. Present participle को V1 कहा जाता है, past participle V2, past tense V2, past participle V3, present participle V4. Eat का V2 है, eat यानी base form of verb, इसे eat बना V2, eat से eaten बना V3, और eaten से eating भी बना present participle V4. एग्जाम्पल की ओर एक नजर. इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पासड. इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पासड. इफ इसमें इफ का इस्तेमाल हुआ, हैड स्टडीड यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ, और मैन क्लॉज में वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ. सेकेंड वाली एग्जाम्पल जो है, इफ द बॉय हैड बीन केयरफुल ही वुड नॉट हैव बीन नॉक्ड डाउन बाय बस. ये जो सेंटेंस मैंने, इसमें दोनों क्लॉज जो है वो पैसिव वॉइस में है, दोनों क्लॉज यहां पे पैसिव वॉइस में है. इफ द बॉय हैड बीन केयरफुल, हैड बीन केयरफुल यानी ये क्या है, पैसिव वॉइस में ये पास्ट परफेक्ट है. ही वुड, और ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, नॉट वुड हैव बीन नॉकड डाउन. नॉकड यानी यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया. यानी इसमें इसमें कैसे आप करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कंडीशनल्स के बारे में, वहां पे क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस आप जानते हैं ये दो क्लाजों से बना है, इफ क्लाज और मैन क्लाज. इफ क्लाज और मैन क्लाज से ये बना है, इफ क्लाज और मैन क्लाज से. एग्जामिनर कैसे पूछेगा, बहुत ही आसान है. एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है वहां पे कि ये सेंटेंस जो है, एग्जामिनर आपको वहां पे ये सेंटेंस दिया गया होगा, यानी मैन क्लॉज वहां पे होगा, और आपने वहां पे इसके साथ इफ क्लॉज का इस्तेमाल करके उसको कंडीशनल सेंटेंस बनाना है. वो कंडीशनल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, जब आप मीन्स कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम जो है उसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से जानते होंगे, आप फैमिलियर होंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस लाइक प्रेजेंट कंडीशन, विल कंडीशन, वुड कंडीशन एंड वुड हैव कंडीशन. उम्मीद करता हूं यहां तक आपने अच्छे से समझा होगा कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस को हम बनाते हैं, किस तरह कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और अलग अलग स्ट्रक्चर होता है अलग अलग किस्म में. यानी इस कंडीशनल सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम है, और अलग अलग किस्म जो है उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया आपको. उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कंडीशनल सेंटेंस को एग्जाम में करके आएंगे.